हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए और बीकॉम के फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर है 2, जिसका नाम है मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि मांग का अर्थ बताइए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न 2 होगा हमारा, मांग का अर्थ बताइए, इसके क्या कारण हैं और उसके अपवाद भी बताइए। प्रश्न 3 होगा हमारा, मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन में अंतर, या मांग में संकुचन तथा विस्तार और मांग में वृद्धि तथा कमी में अंतर। ये बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मांग का अर्थ बताइए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में, पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। इसको आप पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, मांग का अर्थ बताइए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले मांग का अर्थ, मांग से आशय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे सभी उपभोक्ता निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मांग का मतलब क्या होता है, मांग से आशय वस्तु की उस मात्रा से जिसे सभी उपभोक्ता निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होते हैं। फर्गुसन के शब्दों में मांग वस्तुओं की मात्रा को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में एवं निश्चित कीमत पर खरीदने के योग्य एवं इच्छुक होता है। ठीक है, तो फर्गुसन ने बताया कि मांग का मतलब क्या होता है, जिसे एक व्यक्ति एक निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर खरीदने के योग्य हो, यानी कि उसके बाद पैसे होते हैं खरीदने के और वो इच्छुक भी होता है। तो ये था मांग का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, फर्स्ट है वस्तु की कीमत। सामान्यतः वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध है, कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी तरह कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। आपको पता ही है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी, तथा कीमत कम होने से क्या हो जाएगा, लोग वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लग जाएंगे। अब इसी का सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का प्रभाव अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग पड़ता है। फर्स्ट है इसका पॉइंट सब पॉइंट सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है, ऐसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ जाएगी, इसके विपरीत आय कम होने से मांग कम हो जाएगी। इसका उदाहरण है देसी घी। हमें पता है अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो वो महंगी वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए आय के बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और आय के कम होने से उसकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, तो सामान्य वस्तु वो होती है जैसे कि देसी घी का होना। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह सामान्य वस्तुएं जैसे कि देसी घी को खाना अधिक पसंद करेगा, अगर उसकी आय कम हो जाए तो सामान्य वस्तुएं जैसे कि देसी घी को खाना ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि खाएगा ही नहीं। जैसे कि डायग्राम पे दिखाई दे रहा है आपको, वाई से वाई वन हो गई है इनकम, आय है ये जो आय को दर्शा रहा है, और आय के बढ़ने से क्यू वन हो गया है डायग्राम, तो ये मात्रा है। तो सामान्य वस्तु का ये डायग्राम है, तो जिसमें हमने पढ़ा कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तब क्या होगा, वह वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, सामान्य वस्तु की मांग को बढ़ाएगा, और अगर आय कम हो जाए तो सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाएगी, जैसे उदाहरण के लिए देसी घी का होना। अब सेकेंड पॉइंट है इसी का बी, घटिया वस्तु। घटिया वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इसके विपरीत आय कम होने से मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह घटिया वस्तु जैसे कि उदाहरण के लिए वनस्पति घी, तो उसको वो ज़्यादा नहीं खरीदेगा, यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसके विपरीत आय के अगर उसकी सैलरी कम हो जाएगी व्यक्ति की तो वह घटिया वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि सैलरी कम होने पर वह वनस्पति घी को खाना पसंद करेगा क्योंकि वो सस्ता आता है,
इसलिए उपभोक्ता के बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है, आय के कम होने से मांग बढ़ जाती है। अब इसी का सी पॉइंट है अनिवार्य वस्तु। उपभोक्ता की आय बढ़ने से अनिवार्य वस्तु की मांग एक सीमा तक बढ़ती है, उसके पश्चात आय बढ़ने पर भी मांग नहीं बढ़ती। अब अनिवार्य वस्तु का एक उदाहरण है जैसे कि सिलेंडर का होना, माचिस का होना, अगर ठीक है तो सिलेंडर का होना, माचिस का होना, लाइटर अगर ना हो तो ठीक है। तो अगर माना हमने सिलेंडर का होना, अगर ऐसी वस्तुओं की आय बढ़ जाए तब भी इसकी मांग एक सीमा तक बढ़ती है, यानी कि उसकी मांग रुकती नहीं है। पर अगर और भी हद पार हो जाए, और भी ज़्यादा उसकी रेट बढ़ जाए उस वस्तु के, उसके पश्चात आय बढ़ने पर भी मांग नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आय बढ़ने पर उसकी मांग नहीं बढ़ती, जैसे कि आय बढ़ने से अनिवार्य वस्तु की मांग एक सीमा तक बढ़ सकती है, पर उस आय बढ़ने पर भी मांग नहीं बढ़ेगी उसके बाद। ठीक है, तो एक सीमा होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक सीमा तक डिमांड बढ़ रही है, पर फिर वह कांस्टेंट हो गई, यानी कि स्थिर हो गई है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। यदि निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो उपभोक्ता वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ा देगा तथा अधिक मात्रा में वस्तु का स्टॉक करेगा। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत कमी की संभावना है तो उपभोक्ता वर्तमान में मांग को कम कर देगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपको लगता है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कीमत किसी वस्तु की बढ़ने वाली है तो अभी आप क्या करोगे, उस वस्तु को अधिक खरीद लोगे। अगर आपको लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो आप अभी क्या करोगे, उस वस्तु की मांग को कम कर दोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो हम फ्यूचर में खरीदना उसको पसंद करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है रुचि एवं प्राथमिकता। रुचि एवं प्राथमिकता एक व्यापक शब्द है, इसमें मौसम, जलवायु, रीति रिवाज, फैशन आदि आते हैं। यदि इसमें अनुकूल परिवर्तन होता है तो मांग बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर माना मौसम के ऊपर मानते हैं हम कि जैसे ही सर्दियां आती है तो मूंगफलियां बिकना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, गर्म कपड़े बिकना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो रुचि एवं प्राथमिकता में क्या आता है, अनुकूल परिवर्तन होगा तो मांग बढ़ जाएगी। वैसे ही इसके अपोजिट अगर सोचें तो मूंगफली और गर्म कपड़े गर्मियों में कम बिकना यानी कि नामात्र नाम के लिए बिकना स्टार्ट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं बिकेंगे। इसलिए अगर अनुकूल यानी कि अगर अनुकूल परिवर्तन है उसमें तो मांग बढ़ेगी, अगर अनुकूल परिवर्तन नहीं है तो मांग नहीं बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा संबंधित वस्तुएं। हमें पता है संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो फर्स्ट है ए पॉइंट इसका पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे पेट्रोल, कार आदि। इनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। माना पेट्रोल के दाम बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो जाएं, तब लोग कार खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कई लोग पेट्रोल के महंगे भाव के कारण ही कार को नहीं खरीदते हैं, इसलिए पेट्रोल के दाम के कम होने से लोग कार खरीदना अधिक पसंद करते हैं। जैसा कि डायग्राम पर दिखाई दे रहा है, पी से पी वन हो गया है कीमत, और इसमें कौन सा संबंध दिखाई दे रहा है, विपरीत बता रखा है इसमें कि कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो पी से पी वन जब हो गया तो मात्रा यानी कि मांग क्यू से क्यू वन पे पहुंच गई अंदर की ओर। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर से का बी पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे पेप्सी, कोक, चाय,
कॉफी आदि, ठीक है, इनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए माना पेप्सी और कोक का उदाहरण लेते हैं हम। अगर माना पेप्सी और कोक की कीमत दोनों की 60 रुपये की 2 लीटर आती है, अगर पेप्सी का रेट 2 लीटर 60 रुपये में है, कोक का भी 2 लीटर का रेट 60 रुपये में है, अगर पेप्सी की कीमत कम हो जाए यानी कि 60 से 55 रुपये हो जाए तो वह कोक की तुलना में अधिक बिकना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी कि कोक की कीमत पेप्सी की तुलना में अब ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि पेप्सी की कीमत 55 रुपये हो चुकी है और कोक की तो 60 थी ही। अब क्या होगा, लोग पेप्सी की तुलना में कोक को खरीदना अधिक पसंद करेंगे, इसलिए इसमें कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, पी से P1 होने पर कीमत बढ़ने से मांग क्यू से Q1 हो गई है, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ गई है। फिर है 6th पॉइंट, सरकारी नीति। यदि सरकार वस्तु पर कर लगा दे तो कम तो मांग कम हो जाएगी, इसके विपरीत आर्थिक सहायता देने पर मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि सरकार वस्तुओं पर कर लगाती है तो मांग किसी भी वस्तु की कम हो सकती है और हो जाएगी, और अगर आर्थिक सहायता देने लग जाए तो लोग वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम बताइए, इसके क्या कारण है और उसके अपवाद भी बताइए। तो मांग का नियम क्या बताता है हमें, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर मांग और कीमत में विपरीत संबंध है, यानी कि कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी तथा कीमत के घटने से मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कीमत 5, 10, 20 हो चुकी है, डायग्राम में देख सकते हैं आप, वैसे ही कीमत क्या, मांग क्या हो गई है, कम हो गया 20 से 10, 10 से 5 हो चुकी है। तो ये मांग का नियम है जो बताता है कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी, कीमत के बढ़ने से मांग घट जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं मांग के नियम के अपवाद। फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि मांग का नियम के अपवाद, कि जहां पर मांग का नियम अप्लाई ही नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता कम कीमत की वस्तु को निम्न कोटि की समझता है, यानी कि कई बार उपभोक्ता कम कीमत की कोई वस्तु बिक्री होती है तो उसको वो घटिया समझता है तथा कम मात्रा में वस्तु खरीदता है, तब ऐसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाएगी। अब ऐसे अज्ञानी व्यक्ति क्या करेंगे, ऐसे उपभोक्ता क्या करते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, जब उसी वस्तु की कीमत को कोई व्यक्ति महंगा करके बेचता है तब वह उसी वस्तु को अधिक मात्रा में बड़ी हुई कीमत पर भी खरीद लेते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ये वस्तुएं दिखावटी वस्तुएं होती हैं, जैसे हीरे जवाहरात आदि, ऐसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाएगी। अब हम बताएं गोल्ड की कीमत कितनी क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी लोग खरीदना जरूर पसंद करेंगे और खरीदते भी हैं, तो ये मांग का नियम का अपवाद है। थर्ड पॉइंट है युद्ध की संभावना। यदि निकट भविष्य में युद्ध की संभावना है तो कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाएगी, तो लोग डर के मारे वस्तुओं खरीदना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके पता है युद्ध अगर होने वाला है तो वो पहले ही वस्तु का स्टॉक कर लेंगे और वो महंगी कीमत पे भी वस्तु को खरीद लेंगे। अगर विक्रेता महंगी वस्तु करके उसको बेचे, महंगी कीमत पे वस्तु बेचेगा, तब उपभोक्ता तब भी खरीद लेंगे। फोर्थ पॉइंट है गिफ्फन वस्तुएं। गिफ्फन वस्तुएं विशेष प्रकार की घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घटने पर भी मांग घट जाएगी। ठीक है, ऐसी वस्तुओं जिनकी कीमत घटने पर भी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि जैसे कि अगर बाजरे का आटा अगर सस्ते दामों पर बिकने लग जाए तब भी उसकी मांग घट जाएगी। सपोज कीजिए गेहूँ 20 रुपये किलो है और बाजरा 15 रुपये किलो है, ठीक है, दोनों का आटा, एक है 20 रुपये किलो, एक है 15 रुपये किलो। अगर और व्यक्ति क्या है, आप कुछ भी मान सकते हैं, माना व्यक्ति 20 रुपये का, मतलब पहले वो खाता था बाजरे की रोटी, अगर वो 15 रुपये की कीमत से थोड़ा रेट कम हो जाए, उसका 14 रुपये में बिकने लग जाए
और गेहूं बिकने लग जाए 16 रुपए में, एकदम से 4 रुपए की गिरावट आ जाए, तब उपभोक्ता क्या करेगा? अच्छी वस्तु खाना पसंद करेगा। इसलिए ऐसी वस्तुओं की कीमत घटने पे भी, देखो कीमत घट गई है बाजरे की, आटे की, फिर भी वो उसी उसको नहीं खरीद रहा, गेहूं का आटा खरीदना पसंद करेगा। फिफ्थ पॉइंट है फैशन से संबंधित वस्तुएं, यदि वस्तुएं फैशन से संबंधित हैं तो कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाएगी। हमें पता है जो वस्तुएं फैशन से संबंधित होती हैं, चाहे वो कपड़े हो चाहे कुछ हो, अगर उनकी कीमत कोई उनको महंगा करके भी बेचे तब भी लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। अब है मांग के नियम की मान्यताएं। फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता वस्तु की आय में परिवर्तन ना हो, रुचि एवं प्राथमिकता में अंतर ना हो। थर्ड है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना ना हो। फोर्थ है पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो। अब इसमें है, इसी में जो लिखना है, मांग के नियम के कारण या मांग का नियम लागू होने के कारण या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होने के कारण बताइए। तो ये इसी में इंक्लूड था क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इसको आप ये जान के करो कि कीमत के कम होने से मांग क्यों बढ़ती है। इस क्वेश्चन को माइंड में सोचो और ये सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा कि कीमत के कम होने से मांग क्यों बढ़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है आय प्रभाव, वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। यानी कि सैलरी अगर 20,000 रुपये थी किसी व्यक्ति की और राशन आता था 4,000 का, अगर कोई सरकार ऐसी नीति अपनाती है जिससे वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है, तो माना 3,000 का सामान मिलने लग गया। पहले उसके सेफ होते थे 4,000 रुपये का सामान खरीद कर 16,000 रुपये, अब सेफ होते हैं उसके 17,000 रुपये। तब वे क्या करेगा, 1,000 रुपये जो बचे हैं वो उसको उससे वे अधिक वस्तु खरीद पाएगा। सेकंड पॉइंट है माना प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत कम होने के कारण वह अपनी प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तथा उपभोक्ता सस्ती वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोक और पेप्सी का उदाहरण, अब दोनों की कीमतों में सेम सेम थी पहले, अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, जिसकी कीमत कम हुई है उसको अधिक खरीदना पसंद करेगा और मांग बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है अनेक उपयोग, जिस वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं, जैसे बिजली की कीमत कम होने से इसकी मांग बढ़ जाएगी। अब बिजली का प्रयोग आप खाना पकाने के लिए भी कर सकते हैं और प्रयास भी करते हैं आप, और लाइट भी जलाते हैं, अनेक उपयोग होते हैं बिजली के, अगर इसकी कीमत कम हो जाए तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। फिर है फोर्थ पॉइंट उपभोक्ता का आकार, वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ताओं की सीमा में वृद्धि होती है, जिसके दो कारण हैं। फर्स्ट, ए उपभोक्ता वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर भी वस्तु नहीं खरीद पाते थे, जो उपभोक्ता वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर वस्तु नहीं खरीद पाते थे, कीमत में कमी के कारण वस्तु खरीदना प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। और सेकंड है पुराने उपभोक्ता, तो पहले से ही खरीद पाते थे तो वह अधिक मात्रा में वस्तु खरीदेंगे। फिफ्थ पॉइंट है घटती सीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसलिए उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब वस्तु की कीमत कम हो जाए। हमें पता है जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ का प्रयोग आप करते हो, डेली डेली यूज करोगे, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए आप तभी प्रयोग करोगे उसका ज़्यादा जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाए। अब हमारा थर्ड टॉपिक है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन में अंतर करिए, और मांग में संकुचन तथा विस्तार, और मांग में वृद्धि तथा कमी में अंतर कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत के कारण होता है, कीमत के कम होने से मांग का बढ़ना और कीमत के बढ़ने से मांग का कम होना मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन के डायग्राम को, इसके दो पहलू हैं, फर्स्ट मांग में विस्तार, सेकंड मांग में संकुचन।
तो मांग में विस्तार को हम पढ़ते हैं, मांग में विस्तार कीमत के कारण होता है, कीमत के कम होने से मांग का बढ़ना मांग में विस्तार कहलाता है। इस स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर चलता है, जैसा आपकी आपको डायग्राम पे दिखाई दे रहा है। सेकंड है मांग में संकुचन। मांग में संकुचन कीमत के बढ़ने से होता है, कीमत के बढ़ने से मांग का कम होना मांग में संकुचन कहलाता है। इस स्थिति में मांग वक्र ऊपर की ओर चलता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है, कीमत के समान रहने पर मांग का बढ़ना और घटना मांग में परिवर्तन कहलाता है। जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, 10 से 5 और 10 से 15 मांग हो रही है, या 10 से 5 होने पर मांग घट गई है, 10 से 15 में मांग बढ़ गई है। इसके दो पहलू हैं, पहला है मांग में वृद्धि, फिर है मांग में कमी। पहले हम मांग में वृद्धि को सॉल्व करेंगे। मांग में वृद्धि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से होती है, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि का होना, पूरक वस्तु की कीमत में कमी का होना, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना मांग में वृद्धि कहलाता है। इस स्थिति में मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 10 से 20 हो गई है मांग, ये एरो ही बता रहा है कि मांग में वृद्धि हो रही है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है मांग में कमी। मांग में कमी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से होती है, जैसे उपभोक्ता की आय में कमी का होना, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि का होना, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि कमी का होना, भविष्य में कीमत कमी की संभावना। कीमत के समान रहने पर मांग का घटना मांग में कमी कहलाता है। इस स्थिति में मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मांग वक्र 10 से 5 हो गया है, ठीक है। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, इस चैप्टर का। आप इस पार्ट के, इस लेसन के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके इस चैप्टर के और भी ज़्यादा आगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।